एंगर मैनेजमेंट। अगला आप लिखिएगा एंगर मैनेजमेंट, कौन से नंबर का पॉइंट है? 9। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा कितना आपके अंदर आता है आप जानते हैं, इतना इरिटेशन, इतना गुस्सा कि आप माँ बाप तक को पलट पलट के जवाब देने में माहिर है। किसी के भी घर में आज हम लोग जाते हैं, पहले माँ बाप का सवाल सिर्फ ये कहती कि इसको समझाओ, बहुत उत्पटांग में बोलती है। हम सुबह उठने बोलते हैं, हमें चिल्ला दिया जाता है। हम कपड़े धोने को बोलते हैं, चिल्ला दिया जाता है। हम थोड़ा सा कहते हैं रात को ज्यादा जागो मत, सो जाओ, हमें चिल्ला दिया जाता है। आप रिश्तेदारों को चिल्ला रहे, पड़ोसियों को चिल्ला रहे, रास्ते में लड़ाई झगड़े कर रहे, इतना गुस्सा भैया क्यों आ गया? क्या आपको पता है कि गुस्से इंसान का शक्ल की आभा बर्बाद हो जाती है? आपको पता है? और शक्ल की आभा बर्बाद होने से क्या होता है, इस पे मैं फोकस डालने वाला हूं। शायद आपको पता नहीं है कि शक्ल जिसकी खराब रहती है सिर्फ उसकी शादियां नहीं होती, इसी में आप लोग अटके रहते हो, उसको नौकरियां भी नहीं मिलती। आप शक्ल खराब कर लो, मैं डेफिनेट कह रहा हूँ नौकरी नहीं मिलेगी, डेफिनेट कह रहा हूँ। मैं कईयों को इसलिए कहता हूँ कि मुस्कुराओ, क्लास में कहता हूँ हंसो, कई लोग ऐसे टेंशन में रहते, समझ में नहीं आ रहा। आपको नौकरी नहीं मिलेगी मैं बता दे रहा हूँ, और बिना नौकरी के घर वाले आपको कितने दिन रखेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा भगवान पैसा, बिना पैसे के तो आपके घर वाले भी आपसे चिढ़ने लगते हैं, आपके भाई बहन भी दूरी बनाने लगते हैं। दुनिया में पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, दुनिया में सब मोह माया 10 साल के अंदर समझ में आने लगेगी आपको। तो शक्ल, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनकी शक्ल इतनी बर्बाद हो जाती है कि उनको नौकरी में रखा नहीं जाता, वो हिटलर टाइप के दिखने लगते हैं। और मेरे पास कोई नौकरी में आएगा, मैं कोई हिटलर को तो रखूंगा नहीं। मैं भी चाहूंगा कि भाई एक स्वीट सा लड़का, एक स्वीट सी लड़की हो जो हंसती रहे, प्यार से गुड मॉर्निंग करे, हर समय डांट भी खाए तो हंसते हुए खाए, और सबसे बड़ी बात है कि कोऑपरेटिव रहे। क्योंकि इतने पैसा ही लगा के अगर हमने उस सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हम भी सोचाएंगे ना कि हमें कोऑपरेटिव स्टाफ मिले। तो आपको ध्यान रखना कि एंगर मत करिए, शक्ल खराब होता, शक्ल खराब मत होने दो प्रभु। अभी शक्ल का गेम है, सिर्फ शादी के लिए शक्ल नहीं चाहिए, नौकरी के लिए भी शक्ल चाहिए, बिजनेस में भी। आपसे तभी इंसान मिलेगा जब आपकी शक्ल आपके पास आके अच्छी है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर हम ऐसे ही टाइप के रहेंगे तो कोई आपसे कॉन्टेक्ट भी नहीं करेगा, बोलेगा अरे खुद तो खाने को कपड़े नहीं, कहाँ हमसे बस उसमें बिजनेस करेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने शक्ल पे काम करिए। नेक्स्ट आप लिखिएगा हमेशा बेस्ट करने का सोचो, ऑलवेज ट्राई टू डू बेस्ट। आज से ये कसम खा लीजिए कि मुझे बेस्ट करना है। बेस्ट मतलब क्या? आप 6 रोटी खाते 8 रोटी खा लो बेस्ट, ये बेस्ट किसान 6 रोटी तो डेली खाते, आज मैंने 10 रोटी खा ली, 4 ज्यादा, उसके बाद में जो हुआ बोलने की आवश्यकता नहीं, ये मेरा बेस्ट था। आप 4 घंटे सोते थे, 6 घंटे तो इंसान सोता ही है, आप 12 घंटे से सो ही रहे हो। सर जी आज मैंने सोने में रिकॉर्ड तोड़ दी, 12 घंटे से सो रहे थे, घर वालों ने चिल्ला चिल्ला के हार मान गए, मैंने अपना बेस्ट किया। क्या है बेस्ट का डेफिनेशन? बेस्ट का डेफिनेशन क्या है बताओ, बेस्ट का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आपको बताना चाहिए कि मुझे बेस्ट क्या करना है आज के दिन में। क्या बेस्ट? अपने आप को इम्प्रूव करना। आपको ये ध्यान रखना है, एक कोई काम पकड़ो, एक काम पकड़ो, मैं पहले कह रहा हूँ सातों नामों में पाव मत रखो, एक काम पकड़ो और उसमें इतने मास्टर हो जाओ कि आपको कोई बंदा जो है वो क्रिटिसाइज या क्रॉस ना कर सके। देखो सीधी सी बात है, दुनिया बेस्टों की दुनिया है। आज आप सलमान खान को बेस्ट कहते हैं, ठीक है, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, कई सालों से उन्होंने फिल्म की, जब ये फिल्म में आए थे क्या ये बेस्ट थे? ये बेस्ट नहीं थे। आज ये बेस्ट कैसे हो गए? क्योंकि इन्होंने एक काम को इतनी ज्यादा मेहनत करके किया कि आज उनको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। आपने अभी तक अपने करियर के लिए कोई एक लाइन चुना कि नहीं चुना, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और चुना करियर में जाने की सरकारी नौकरी अलाउड नहीं होती है, ये बाहर के जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहां गवर्नमेंट जॉब आप नहीं पसंद है करियर में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे कोई मेरा प्रतिद्वंदिता नहीं है गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि मेरे पिताजी खुद रेलवे में रिटायर्ड एग्रेड ऑफिसर थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहां भी कई लोग बोलते हैं कि हाँ सर मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप ए की तैयारी कर रहा हूँ, उसको करियर नहीं माना जाता। करियर का मतलब वो चीज होती है जिसमें आपको ग्रोथ के 100% चांस हो। गवर्नमेंट में ग्रोथ का 100% चांस नहीं रहे, क्योंकि आप यहाँ भी 2-3 साल काम करा के भगा दिए जाते हैं, जब चांस थे तभी करियर हुआ करता था। अब करियर का मतलब क्या है?
पूरी जिंदगी जहां पे रह सकते, आप जहां पे सिंगल जाओ और बीवी बच्चों के साथ इस दुनिया से विदा ले लो, यानी मर जब जाओगे तो आपके बीवी बच्चों के पास भी पैसा होगा, क्योंकि आपने करियर से पैसा निकाला। करियर का मतलब है भाई मेरे पास इतना पैसा रहे कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी को तो दे सकूं। तो उसके लिए क्या करना है, बेस्ट करना है। और बेस्ट करने का एक मैं बहुत बड़ा नियम आज आपको मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लिए ना आज से एक साल बाद आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, बेस्ट का एक नियम आपको ध्यान रखना है। बेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि मुझे अपने लाइन में आगे बढ़ना ही है। सबसे पहले अपने दिमाग को समझाओ कि मुझे आगे बढ़ना ही है, चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, कितने लोग डाइवर्ट करें, कितने लोग आपकी टांगे खींचे, कितनी बुरे हालात आ जाए, कितने पैसों की कमी आ जाए, मुझे आगे बढ़ना है। जिद, जिद बेस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है जिद। आप जिद पा रही है भाई, क्योंकि आपके अंदर जिद नहीं है।